क्योंकि रिलायंस का ये जो सपोर्ट मिल रहा है अभी बाजार को लगभग 4%, 3.5-4% है, उसी की वजह से बाजार निफ्टी हरे निशान में है। और निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में जो एक सपोर्ट निकल के आ रहा है 19,200 का आ रहा है, तो मुझे लग रहा है वहां तक एक पुल बैक या गिरावट पॉसिबल है निफ्टी में। बिकॉज हम देखें जो हेवी वेट से लेकर अदर रिलायंस, ओवरऑल अगर रिलायंस को हटा दें तो निफ्टी आज काफी नीचे होना चाहिए था, रिलायंस की वजह से अभी तक फ्लैट है। तो मुझे लग रहा है निफ्टी में 19,200 तक एक गिरावट पॉसिबल है। ओवरऑल ट्रेंड अब भी पॉजिटिव है, पर जिस स्पीड से हम ऊपर गए तो इतनी बड़ी स्पीड के बाद, इतने बड़े मोमेंटम के पास मार्केट में साइडवेज करेक्शन इज अ पॉसिबिलिटी। तो 19,200 के आसपास आई थिंक रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएंगे फॉर लॉन्ग। तो निफ्टी में आई थिंक करंट लेवल्स पे नो ट्रेड जोन में 19,200 के आसपास अगर आता है तो 19,100 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह होगी। इन दैट केस वापस जो टारगेट निकल के आ रहा है 19,500 का। बैंक निफ्टी में भी देखिए तो बैंक निफ्टी में जो 44,500 ब्रेकआउट जोन था और वहां तक एक पुल बैक पॉसिबल है, बिकॉज मोस्टली ब्रेकआउट रीटेस्ट होते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर डेली चार्ट भी देखे तो ऊपर के लेवल पर रिजेक्शन हो रहा है 45,000 का जो जोन है, आज भी वहीं से एक रिवर्सल देखने मिला। तो जब तक 45,000 के ऊपर बैंक निफ्टी में क्लोजिंग नहीं आती, एक बड़ा मोमेंटम ऑन द अपसाइड डिफिकल्ट है। तो बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है 44,500 गिरावट पॉसिबल है 1 से 2 दिनों में। 44,500 के आसपास अगर एक बेस बनता है तो वापस रिस्क टू रिवॉर्ड फॉर लॉन्ग्स फेवरेबल हो जाएगा। इन दैट केस 44,300 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हो और ऑन द अपसाइड वापस 45,000 तक की तेजी देखी जा सकती है। करंटली इंडेक्स एक नो ट्रेड जोन में है और आई थिंक इंडेक्स के बाहर आपको ट्रेड ढूंढनी चाहिए, बिकॉज इंडेक्स में जिस तरीके से मोमेंटम है दोनों साइड बुल्स और बेयर्स चॉप हो रहे हैं।